हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप सभी को वाटर टैग के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ब्रांड के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, बस हाँ ये हमारे स्टोर पे भी जल्दी ही नया आया है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी से बिक गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को उसके बारे में बताना चाहिए, और जब इसके इतने अच्छे फीडबैक आ रहे हैं तो आपको भी ये जो वाटर टैग का कंपनी है ये अच्छा लगेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, जानेंगे इसकी कंपनी के बारे में और इसका प्राइस रेंज क्या है और क्वालिटी कैसी है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप सभी को डेली मिलते रहेगी हमारे इस चैनल क्रिएटिव बाथवेयर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि इसकी कंपनी का नाम क्या है। गाइस, इस कंपनी का नाम है क्यूरा, जिसमें मैंने आप सभी को एक बताया था एक वीडियो में जो था कि कौन सा बढ़िया बढ़िया कंपनी है वाटर टैग के कैटेगरी में। तो उसमें मैंने आप सभी को इस कंपनी का नाम बताया था जिसका नाम है क्यूरा। स्पेलिंग आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ इस टाइप का है, और क्लिप भी मैं आपको सभी को कुछ चला के दिखा देता हूँ, देख लो आप सभी को अगर अच्छा लगे। वैसे मैं सच बताऊँ तो ये प्लास्टिक वाटर टैप है, और जो आप इसकी जो फिनिशिंग है, इसकी जो क्वालिटी है और जो ब्रांडिंग की गई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से की गई है। यानी कि आपको लगेगा नहीं कि ये कोई लोकल प्लास्टिक टैप है। यानी कि जैसे आप 50-60-70-100 रुपए की तरफ जाते हो तो आपको एक मीडियम क्वालिटी का वाटर टैप मिलता है, और इसका जो प्राइस रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आप सभी के लिए। मतलब इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है अगर वो थोड़ा सा अपना जो पैसा है उसको इंक्रीज करता है। अब प्राइस रेंज भी जानेंगे इसी वीडियो में, तो एंड तक देखते रहिए। पहले हम लोग बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में कि इसका क्वालिटी अच्छा है या इसका जो प्लास्टिक है वो कैसा है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि जो इसका प्लास्टिक मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसमें जो फिनिशिंग की गई है प्लास्टिक की वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से की गई है, बहुत ही अच्छे से की गई है। यानी कि जब आप इसको अपने हाथों पे लोगे या आपके जहाँ पर भी घर पर लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अच्छा लगेगा। जो भी आपके घर में मेहमान आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में स्टील वाटर टैप ही लगा हो जिससे कि आपका जो घर है वो फैशनेबल लगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप वाटर टैप की तरफ जाते हो प्लास्टिक में तो भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ आपको मिल जाते हैं सस्ते प्राइस रेंज में, जो आपको बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक मैंने शब्द गलती से यूज़ कर दिया, सस्ते सब। तो देखो मैं आपको बता दूँ, ये सस्ता भी है किसी लोगों के लिए और किसी लोगों के लिए सस्ता नहीं है, क्योंकि जो इनका प्राइस है वो 500 से अंदर आता है और 200 से ऊपर का आता है, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है वो एकदम हटके है। आप कोई भी अलग कंपनी का लेते हो, जैसे कि YKB हो गया, मास्को हो गया, और भी कुछ हो गए, ढेर सारे हैं, प्लास्टो है, अपोलो है, इनमें वो आपको क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी जो इस कंपनी में मिल रही है। और ये अभी जो अभी कब रिलीज़ हुआ था मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डेट तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये हमारे स्टोर पे लगभग 2-3 महीने पहले आया है और काफ़ी अच्छा धमाल मचा रहा है। यानी कि कस्टमर से बहुत अच्छा मान रहे हैं और उनकी क्वालिटी को पसंद भी कर रहे हैं। और इनमें जो डिज़ाइन है, देखो वाटर टैप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डिज़ाइन, और ये जो कंपनी वाले हैं वो अपने वाटर टैप का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। जो प्लास्टिक की फिनिशिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। जब अपने आप हाथों पे लोगे तो एकदम फिनिशिंग जान पड़ेगी आपको, कोई भी आपको खुरदरा टाइप का नहीं जान पड़ेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 200 से ज़्यादा और 500 से कम के बीच में ही आपको वाटर टैप मिल जाता है। ओनली वाटर टैप की मैं बात कर रहा हूँ, वाटर टैप के ही अंदर आते हैं जैसे कि एंगल कॉक हो गया, कंसील कॉक हो गया, स्वैम नेक हो गया, सिंक कॉक हो गया, जो बाथ बेसिन में लगता है, सिंक में लगता है, और भी बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे लगता है, सावर के नीचे और आपका जो गीजर लगता है वहाँ पर लगता है। तो सबके अलग अलग काम है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर वाटर टैप के बारे में बात कर रहा हूँ तो वाटर टैप का ही प्राइस बता रहा हूँ 200 से लेके 500 के बीच में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोग को जानना है स्वैम नेक सिंक कॉक के बारे में, तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप सिंक कॉक या एंगल कॉक या पिलर कॉक की तरफ जाते हो तो ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये 1000 से तो नीचे ही रहेगा, यानी कि 400-500-600-700 तक ही रहेगा। अब मेरा कॉस्टली का कहने का मतलब ये नहीं है कि ये 1000-1200 और उससे ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका ये प्राइस रेंज है वो आपके लिए अफोर्डेबल है बिल्कुल। अगर आप वाटर टैप की तरफ जाते हो तो आप 200-250-300 तक आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी मिल जाते हैं। कौन से स्टोर पे आप लोग जाते हो वहाँ मिलता है नहीं मिलता है, हाँ ये आप सभी के लिए दिक्कत हो सकती है कि जो अभी जो कंपनी एकदम नई आई है, तो आप जहाँ पर रहते हो सकता है वहाँ पर यह कंपनी आपको अभी ना मिले,
तो अगर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नाम, अच्छे से देख लो। ब्रांडिंग भी मैं आप सभी को वीडियोस भी दिखा रहा हूँ क्लिप लगा के, जो आपको अच्छे से पता चल जाए कि मतलब जो इसका लुक है वो कैसा है। तो अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो आप एक बार ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो, अगर आपको मिल रहा है तो ज़रूर बाय करो, वरना बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो हमारा प्रोडक्ट है, जो मैं आपको बताता हूँ, रिव्यू करता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ, और जिस भी कंपनी के बारे में बताता हूँ उसको आपको ऑनलाइन डिलीवर करा सकूँ। तो बस आप क्या करो, आप एक सपोर्ट कर दो, छोटा सा सपोर्ट। अगर आपका एक सपोर्ट रह गया तो बहुत जल्द ये जो हमारा वेबसाइट है वो आएगा। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, और चैनल पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।